राशन कार्ड का ट्रांसफर हो रहा है और क्या हो रहा है? ये किसके हुक्म से हो रहा है? मेरे हुक्म से हो रहा है। बिना नोटिस दिए आप ये मकान खाली नहीं करवा सकते। अरे डेस्क से क्या हो, सामान बाहर निकालो। अरे मैं देख रही कैसे मकान खाली करवाते हो। निकलो बाहर, बाहर निकलो, अंदर कुछ निकलो बाहर। साले गुंडे, लड़की, ए ए नसीमा, नसीमा। ए बुड्ढे, काहे को गला फाड़ रहा है? बोला ना शाम तक तेरा घर खाली हो जाएगा, चल फट। मुझे अभी इसी वक्त घर खाली चाहिए। तो ये सब तुम करवा रहे थे? घर बसाने वाला घर उजाड़ सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने किसका घर बसाया? सीमा का। जब सब खड़े तमाशा देख रहे थे, तुमने अपनी जान पर खेलकर उस भटका हुआ इंसान आग की भटकी हुई लपटों जैसा होता है मैडम। इनका कोई रुख कोई दिशा नहीं होती। कभी इन लपटों के आंचल में खाना पकता है तो कभी इनकी गर्मी से बस्ती की बस्ती चल जाती है। और आज अगर किसी का घर उजड़ जाएगा तो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा कसूर है तो हम तो सिर्फ पांच हैं। यहाँ पर सारी बस्ती खड़ी है, बुला लो किसी को भी अपनी मदद के लिए, देखता हूँ कौन आता है। अरे ताकत आजमाने के लिए हम ही रह गए थे, एक मजबूर लड़की, एक बुढ़िया, एक अधमरा लड़का। अरे ताकत का इतना ही गुरूर था तो जाकर अखाड़े में आजमाते, खेल के मैदान में दिखाते, बॉक्सिंग रिंग में जाकर आजमाते तो तुम्हारी ताकत इस देश का गौरव बनती, किसी मजबूर परिवार का कहर नहीं। देखो जिसने हमें यहाँ भेजा वो बहुत पावर वाला आदमी है, तुम यहाँ से सीधे सीधे चले जाओ वरना। वरना क्या, क्या कर लोगे तुम? क्या करेगा तुम्हारा वो बाप जी? यही ना कि मुझे मजबूर कर देगा कि मैं इस आदमरे को लेकर सड़क पर आ जाऊं, अभी बूढ़ी माँ के हाथ में कटोरा थमा दूं। ये हाथ जो मेहनत करना जानते हैं, इन हाथों से लोगों के सामने अपने कपड़े उतार दो, तब जाकर ठंडी होगी तुम लोगों के बदले की आग। अरे ऐसा क्या किया है मेरे भाई ने? किसी का गला तो नहीं काटा, तुम्हारी तरह किसी को घर से बेघर तो नहीं किया? प्यार किया है उसने, तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? तुमने तो सिर्फ नफरत देखी है। ओ भाई, ये नरसिंह भाई को इतना सुनने की आदत नहीं है क्या? खोपड़ी फिर जाएगी, तलवार देखा है ना, टुकड़े टुकड़े कर डालेगा वो। हाँ हाँ जानती हूँ, जानती हूँ, इसकी ताकत अंधी हो गई है। और जब ताकत अंधी हो जाती है तब वो ताकत नहीं वहशत बन जाती है, जिनसे उसे कुछ लेना देना नहीं, उनके घर उजाड़ सकती है। जिन्हें पहचानती नहीं, जिनका नाम तक नहीं जानती, उनके बीवी बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, उनकी मां बहनों पर बलात्कार कर सकती है। यही अंधी ताकत इस्तेमाल करके चार चार गुंडे हंसते खेलते परिवार को एक मिनट में इस तरह बर्बाद कर सकते जैसे वो। जाओ, जाओ और अपने ताकत और मालिक से जाकर कह दो कि जीते जी हम इस घर से नहीं जाएंगे। अगर इस घर से जाएंगे तो तीन लाशें जाएंगे, और अगर तुम्हारा मालिक हुक्म देता है ना तो टुकड़े टुकड़े कर देना हमारे अपनी तलवार से, जिसमें तुम्हें बहुत गुरूर है। जाओ, जाओ। शाबाश, आओ 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 मेरे शेर, ये रे तेरा इनाम, ये और ले, ये भी ले, ये सब तेरा है। क्या हुआ, ये काफी नहीं है? मैं उनको घर से बाहर नहीं निकाल सका बाप जी। क्या, तो वो लौंडिया और कल का छोकरा तुझसे ज्यादा ताकतवर साबित हुए? नहीं बाप जी, मेरा जमीर मुझसे ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। ये क्या बकवास कर रहा है?
होश में तो है? आज पी नहीं क्या? सच सच बता, बात क्या है? उनको वहीं रहने दो बाप जी, आपके सामने तो वो कीड़े मकौड़े हैं, और कीड़े मकौड़ों पर भी कभी कभी दया कर देनी चाहिए। अरे बेवकूफ, तुझे उनसे हमदर्दी कैसे हो गई? बेघर होने का दर्द आप नहीं समझेंगे बाप जी, मैं समझता हूं। जब आसमान थूकता है और जमीन काली देती है तो समझ में नहीं आता कि इस लाश को लेकर कहां जाएं। कब्रें भी दरवाजा बंद कर लेती हैं। उन्हें रहने दीजिए बाप जी, उन्हें जीने दीजिए। चुप है! मैंने तुझे भेजा था उन्हें शहर से बाहर फेंकने के लिए, और तू दो टके का गुंडा मुझे नसीहत कर रहा है? फरियाद कर रहा हूँ बाप जी, वो लड़का जख्मी है, उसकी बहन बेरोजगार, बरसात सर पर है, घर छोड़कर वो कहाँ जाएंगे? जान लूं मैं, मगर इस शहर में नहीं रहेंगे वो। शहर उनका भी तो है बाप जी। लेकिन कानून मेरा है, मुद्दतों से इस हवेली का फरमान इस शहर का कानून रहा है। हवेलियों के फरमान अब कानून नहीं होते बाप जी, हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। मेरा फरमान आज भी शहर का कानून है, और मेरा फरमान है कि तू अभी जा और जाकर उन्हें शहर से बाहर निकाल दे। आज तक मैंने आपका हर हुक्म माना है, बिना ये सोचे समझे कि वो सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, पाप है या पुण्य, मगर आज तू सोचने लगा है। हर जूती ये सोचती है कि वो पगड़ी बन सकती है, मगर जूती की किस्मत है कि उसे पैरों तले रौंदा जाए, और पगड़ी का हक है कि उसे सर पर रखा जाए। जब जूतियां बगावत पर उतराती है ना, तो पगड़ियों पर बहुत बेभाव की पड़ती है बाप जी। नमक हराम, तू मुझसे बगावत करेगा तो फिर आज तेरी चमड़ी उधेड़ कर तेरे खून से मुझे अपना नमक निकालना ही पड़ेगा। हराम खोर, नमक हर। बाप जी, अब मुझे जितना मारना चाहते हैं मारिए, मगर उन्हें छूट दीजिए। परसों पहले ऐसे एक घर तबाह हुआ था और एक नरसिम्हा पैदा हुआ, अगर आप उन्हें बेघर कर देंगे तो एक और नरसिम्हा पैदा होगा। ये तो और भी अच्छा होगा, मुझे तो जरूरत है ऐसे ही नरसिम्हा की, जो दो रोटी और एक बोतल शराब के लिए मेरी जोड़ी पर आकर गिड़गिड़ाए। ऐसे आप और कितने नरसिम्हा बनाएंगे बाप जी? अगर जरूरत पड़ी तो इस शहर के एक एक नौजवान को नरसिम्हा बना दूंगा। मगर उनमें से एक भी नरसिम्हा को उसकी जिंदगी का सही मकसद मिल गया तो आपकी हवेली के ईंट से ईंट बच जाएगी। हराम खोर, तुझे बाप जी की ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरे बनाए नरसिम्हा की जिंदगी का मकसद मेरा हुक्म मानने के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरे फरमान पर वो इस शहर में शराब और जुए के चलाएंगे, चुनाव में बूथ कब्जा करेंगे, दंगा करके हजारों घरों को तहस नहस कर डालेंगे, औरतों बच्चों तक को बेरहमी से काट डालेंगे। मेरे एक इशारे पर वो अपनी जान दे देंगे या दूसरे की जान लेंगे। जो नरसिम्हा ये सब करने से इनकार करेगा, मैं उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। बस बाप जी, आपके नमक की गुलामी खत्म, आज से जंग शुरू होती है, और ये जंग सिर्फ इसलिए नहीं कि एक परिवार इस शहर में रहता है या नहीं, ये जंग फैसला करेगी कि ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। यह जंग फैसला करेगी कि इस शहर के नौजवान आप जैसे बाप जी के हाथों की कठपुतली हैं या इस शहर का मुकद्दर। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को इस शहर से निकालने की, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को इस शहर में रखने की। मुझे इस शहर के हर नौजवान की कसम, मैं मर जाऊंगा लेकिन एक और नरसिम्हा पैदा होने नहीं दूंगा।
अरे भैया जरा ये सामान देना। सामान वामान तो हम नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि हम तमाशबीन है, तमाशा देखेंगे। लगाओ जरा ठुमका, हम भी देखेंगे। शरीफों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अबे रात को तो शराब के अड्डे पे यार ढूंढती फिरती है, दिन में शराफत की बात करती है। मैं तो लूट लिया मिलकर हंसने वालों ने घर घर गालों। अरे ओ सुलेमान भाई, क्या है ये ट्रक घर के बाहर क्यों खड़ा कर दिया? तो क्या हो गया? मैं अंदर कैसे जाऊंगी? सुलेमान के होते हुए क्या जरूरत है अंदर जाने की? क्या मतलब? मतलब ये है मेरे साथ चल, कोठे में बिठा दूंगा, तेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और ये मेरी भी। चलती है क्या सुलेमान भाई? क्यों मार रहे हो उसे? इसने आपको गाली दी। इसने मुझे गाली दी है, तुम्हें नहीं। तुम्हें इसे क्या लेना देना? वो जो कर रहा है वो उसकी मजबूरी है, मगर तुम जो कर रहे हो वो ना ही तुम्हारी मजबूरी है और ना ही तुम्हारा हक। हमारे लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपनी हिफाजत के लिए खरीदे हुए गुंडे रखने की आदत नहीं है। सिम्मा तो धोबी का कुत्ता हो गया है बाबजी, ना घर का रहा ना घाट का। वो कैसे? इधर आपकी ड्योढ़ी का भी नहीं रहा और उधर अनीता ने भरी बस्ती में छापड़ मार कर निकाल दिया सो अलग। मगर वो लोग तो अभी तक शहर में ही है ना। आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें बाबजी, मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर उनके पीछे पड़ गया हूँ। आपके हुक्म से उनका राशन पानी तो पहले ही बंद कर दिया था, बस 8-10 दिन में ही देख लीजिएगा, अगर जिंदा रहना होगा तो इस शहर छोड़ जाएंगे, वरना फाकों की वजह से ये दुनिया। लो भैया तेल देना। जाओ यहाँ तेल लिए फुटे यहाँ से। अरे भैया पैसे दे रहा हूँ। हाँ हाँ मालूम है तेरे पास पैसे बहुत हैं, तेरा बाप पुलिस में था ना, इसलिए रिश्वत का माल बहुत छोड़ गया होगा। साले बाप को गली देता है, बाप को गली देता है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा। रवि इतनी रात को कहाँ जा रहा है? ये अरे आजकल इसका खून भी बहुत उबल रहा है बाप, सुनने में इसने बाजार में आज दुकानदारों से कुछ मारपीट भी की है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? देखता हूँ यार, फिर किसी के साथ मारपीट ना कर बैठे।
बाबूजी की बहुत याद आ रही है। आज अगर बाबूजी जिंदा होते तो ये सब नहीं होता, ये सब मेरी वजह से हुआ। रवि, नहीं रवि, मुझे माफ कर दो दीदी, मेरे पगले, इसका जिम्मेदार मैं हूं, मुझे माफ कर दो। नहीं झटपट लमलेट वाला, चुहा मारने का जहर, दवा अंदर दम बाहर। भैया, एक शीशी चूहे मारने की दवा देना, इनकार मत करना। लो माँ जी, 2 रुपया। पर बच्चों की पहुंच से दूर रखना, इससे चूहा तो मरता ही है, आदमी भी मर सकता है। हाँ, 2 रुपया। झटपट लमलेट, चूहा मारने का जहर। अरे माँ, ये खाना कहाँ से लाई? दिया है किसी पहचान वाले ने, तू खा ले। देख रवि बेटा, तेरी मनपसंद गोभी भी है, आ। लेकिन ये सब कहाँ से लाई माँ? अरे तुझे खाना खाने से मतलब है कि नाम गिनाने से? माँ लेकिन पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूँ? मैंने कोई चोरी की है कि जवाब दूँ? माए तो चोरी करके भी अपनी औलाद का पेट पालती है। लेकिन माँ, किसकी हिम्मत हुई बाबजी के हुक्मनामे के साथ टकराने की? आदमी है वो भी। किसका आदमी? अरे वही होगा, बाबजी का गुंडा और कौन। क्या माँ, तुम बाबजी के उस कुत्ते से हमारे लिए रोटी मांग कर लाई हो? रवि, मैं किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं गई, वो खुद आकर दे गया। और तुम ये भूल गई कि ये वही कमीना है माँ, ये वही कमीना है जो बाबजी के कहने पर हमें हमारे ही घर से बाहर निकाले। हाँ, भूल गई मैं, क्योंकि मैं ये भुला ना सकी कि मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे है। मैं ये भुला ना सकी कि तुम्हारे बाबूजी की आंखें दिन भर मेरा पीछा करती हैं, मुझसे जवाब मांगती हैं। ये भुला ना सकी मैं। माँ, ऐसे करने से तो अच्छा था तुम हमें जहर ही दे देती। तू खाने के बदले जहर मांग रही है, वो जहर के बदले खाना दे गया ताकि आप भूखे ना मरे। भूखे मर जाएंगे माँ, मगर उस कमीने कुत्ते का एहसान नहीं खाएंगे। इसे कहाँ ले जा रहे हो? रुको बेटे, बेटे रुको, रुको। वो बाहर खड़ा है बेटे। ये तो और भी अच्छा हुआ माँ, जरा उसे भी पता लग जाए कि बाबजी के प्यादों के बारे में हमारा क्या ख्याल है। नहीं बेटा रवि, रुक जा, नहीं। तू भी अपने भाई को भूखा मारना चाहती है? माँ, मैं उसे भूख से मरता हुआ देख सकती हूँ, मगर शर्म और जिल्लत से मरता हुआ नहीं देख सकती। ये सब जिसने दिया है ना, ये मैं उसे वापस लौटाने जा रही हूँ।